गुरु वाह 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 गुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। सत संगत असी संसारी तौर पर सारिया ने महलां की अमीरी वेखी है, वड्डियां वड्डियां कोठियां दी बिल्डिंगां दी सूटां बूटां दी गड्डियां व्हीकलां दी बड़ी अमीरी वेखी है, पर कदी कुल्ली दी अमीरी शान दी अमीरी वो नहीं वेखी दुनिया ने। वो कुछ दुनिया के महलां विच नहीं जो इस दरवेश दी शान दे अंदर है। संसार दे महलां च कित्थों लभणा उस सत्संग जड़ा सबर है इस कुली दे अंदर। कुली दी अमीरी की है, शान दी अमीरी की है, छप्पर दी अमीरी की है, कखां दी शान है, टुटिया मंजा है ते फटिया पूरा है। ये संपत्ति सी बाबे कुम्मे दी, असी किन्ना क दे सकते हैं अपने बटुए विच्चों। दसां दा सौ दा बहुत वड्डी मार, 500 दा नोट उस बाबे ने सारी संपत्ति दे दित्ती जी। धर्म दे पांदियां नूं, धर्म दे राखियां नूं, सच दे पहरेदारां नूं सारी संपत्ति दे दित्ती अपनी इस धरती ते। बहुत अमीर है बाबा कुम्मा, उहदी कुल्ली दी अमीरी बड़ी कमाल दी है जी। दुनिया दे महलां वाले सारा कुछ नहीं दे सकते। उस अमीर ने, उस महापुरख ने, उस धनवंत ने, से धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान, उस धनी ने, उस अमीर ने अपनी सारी संपत्ति पंथ जी क्यों ना असीं उहदी कुल्ली नूं मत्था टेकीए जी, क्यों ना उस शान नूं मत्था टेकीए। उस शान वाले बाबे ने साडे बाबिआं नूं सारा कुछ सौंप दिता जी। उहदे चरणां च साडा सिर झुक जांदा है, जिंदगी विछ जांदी है उहदे चरणां च। जिन्हां ने बाबिआं वास्ते एक वारी हा लई, हौका भरिया, असीं ते उहनां दे कर्जदार हो गए, ते जिन्हें सारा कुछ सौंप दिता जी। जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले विरले है, पर वो विरलियां दा गुण की है साध संगत। एवें थोड़ी ये परोपकार, ये नेकी, ये संतोख, ये सबर, ये हुकूमतां वल्लों बेपरवाही, ये शुभ गुण एवें थोड़ी आ गए। अचनचेत नहीं नेक कर्म हो जाते साध संगत। किते कोई बीज पिया काम करता है, वो जिहड़े विरलियां विच गिणती आई वो आउंदी किद्दां जी? मतलब असी गल बाबा कुम्मा माशकी की करनी है, पर सिक्ख्या अपने लिए पल्ले च बंधनी है भी की साडे विच भी यह नेकी आ सकती है, असी भी अंदरों तृप्त हो सकते हैं, साडे अंदर भी इन्ना त्याग ते पर उपकार आ सकता है, असी भी बेखौफ हो सकते हैं। सच पुछो तो कला अल्लाह यार खां जोगी नहीं कहता कि मुतसबियो मैनू तुहाडे दिते जन्नत की लोड़ नहीं, मैनू गुरु गोबिंद सिंह अपनी दरगाह विच बाहां उलार के उड़ीक रहे हैं। कला ओही नहीं कहिंदा, बाबा कुम्मा भी कहिंदा, निहंग खां भी कहिंदा, नबी खां गनी खां भी कहिंदा। ते जे तुसीं गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरगाह विच बैठियां नूं वेखो ते हो सकदा मेरे वर्गा नेड़े भी ना जा सके। उत्थे बैठियां किन्नूं वेख रहे असीं? पंडित शिवदत्त नूं गुरु गोबिंद सिंह जी दी दरगाह च वेख रहे हां। सारिया लई खुली है ना, बंदिश ते है ही कोई नहीं, शर्त ते है ही कोई नहीं। गुरमुखो ऐ गलवक्कड़ी वांग खुली है गुरु गोबिंद सिंह जी दरगाह, जिथे पीर आरफदीन बैठे बैठे है, जिथे पीर भीखन शाह बैठे है, ते गुरु गोबिंद सिंह बह के की कर रहे है? सब नूं उपदेश दे रहे है भी भोलियो जिस दरगाह च परवान चढ़ना है ना, ते जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो।
उस दरगाह विच बैठे बाबा गुम्मा माशकी, उस दरगाह विच बैठे फटे कपड़िया वाले टुटी जुत्ती वाले बाबा मोती राम मेहरा, पर बैठे किवें? यह बचन तुहानू सारिआं नू याद है, अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरु नाओ। ते जदों रंग चढ़ जांदा ना फिर सतगुर सेती रत्तियां दरगाह पई ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनू यह वत्थ अड्डो झोली साडी भी झोली च पै जाएगी। वो तो मेघ वांग बरस रहा है, बर्तन सिद्धा करन दी देर है, प्याले भर जाने हैं, बर्तन मुद्दे करके उन्हें दोष ना दे भी दिता कुछ नहीं, वो तो बरस रहा है। तू चोली ते आड सतगुर सेती रत्तिया दरगह पाई है ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनू यह वत दे जग मैं उत्तम काढ़ी है। विरले हैगे आ पर मुके नहीं सात संगत, मेरा गुरु चुन लैंदा उन्हां विरलिआं नूं, लभ लैंदा भी उहदे कोल किहड़े कोलों किहड़ा काम लैणा है। जगत दे विच ना जिहड़े विरले ने ते गुरु चुन कर लैंदा भी किहदे कोलों किहड़ा काम लैणा है, मैं उह उत्तमां नूं चुन लैंदा गुरु। पर उत्तम बनने वास्ते ये सारे इंद्रे अपने काम लगे होण, अंतर नेत्री सरवणी लगे होण अपनी कारे, ते फिर गुरु की नजर होंगी ते गुरु उठा लैंदा, चल पी तेरे सिर ते हाथ रखिया तेनू अमर कर दिता। पता नहीं तुहाडे चो किहदी झोली च किहड़े काम पा देना उहने। ते जिद्दन गुरु दे काम आ गए अपने भावें करोड़ां कर दे रहीए पोतियां ने भी ना नहीं लैणा, जिद्दन गुरु दे आ गए उधर फिर जिन हर मन वसिया से दर साचे, दर साचा सचियारा कर रहे हैं ना जी सारे जिहड़ी गुरु ने कहा। उन्हां दी सोभा कहो गज के, उन्हां दी सोभा सारे कहो, उन्हां दी सोभा कोई ना मेटन हारा, कोई ना मेटन हारा, कोई ना मेटन हारा, उन्हां दी सोभा जुग जुग होई, उन्हां दी सोभा जुग जुग होई, सोभा जुग जुग होई, उन्हां दी सोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा, कोई ना मेटन हारा, कोई ना असी तो उन्हां दी सोभा करके जीना है। असी तो उन्हां नूं धन कह के ना जिवें वड्डे रुख दे नाल धरती ते विश दी वेल जुड़ जांदी है ना, ते वल खा खा के वड्डी हो जांदी, इहदे शुक्र करिए सानूं वड्डे रुख मिल गए आ, नहीं तो जिहड़ियां रूड़ियां ते पै जांदियां उह नीवी हो के गल जांदियां जी। साडे कर्म बड़े, तुसीं भागां वाले बैठे हो ना चौंकड़े मार के, ये एक एक छिन व्यर्थ नहीं जाना तुहाडा साध संगत, ये ते तुसी वड्डे रुखां दे नाल वल खा खा के ओ शिखर तक पहुंच जाना जिथों तक उन्हां दी टीसी है। किड्डे भाग चंगे आ जी, किड्डी वड्डी बख्शिश होई तुहाडे ते। शुकर विच जुड़ना शुकर च, तो धन बाबा कुम्मा माशकी, धन जी मेरे गुरु लाला नाल प्यार करन वाला, मां गुजरी जी दी सत्कार अदब सन्मान करन वाला, तानो लक्ष्मी बामणी भोजन छकाउण वाली, कोई बरादरी माड़ी नहीं ते ना ही कोई बरादरी करके चंगा है। गंगू भी ब्राह्मण सदवाउंदा है, लक्ष्मी भी ब्राह्मणी है, करमी आपो अपनी, ना कोई बरादरी करके वड्डा ते ना कोई बरादरी नीवी है। सात संगत चलीए सफर दे नाल, छे पो तो शुरू कर लीए जी, ते यतन है भी समय की सीमा ना टुटे। 12-12 बजे समाप्ति थोड़ा जा महसूस हुंदा भी संगत ने कल फिर आना है, वक्त सिर आपां समाप्ति करांगे।
पर सफर दे नाल चलना जरूर है साध संगत, नहीं तो साडा आनंद अधूरा रह जाना जी। है तो रूहानी अमृत ही वरत रहा ना, पर नाल नाल चल के पीन का यतन करिए। आनंदपुर साहब छड़िया महाराज ने कल शाम, तो पता है आप जी ने छड़न का कारण की सी, ना सी मजबूरी ते ना सी छल, धर्म चिन्ह ते धार्मिक लोगों नूं भावें वरतिया ही सी हाकमां ने। वारिश ने ना एक गल बड़ी सोहनी लिखी है, वड्डी लैण ते सदा ईमान वेचण, यही बाण है काजियां सारियां नूं। पता नहीं किन्ना क सत्या होया सी उह धर्म दे पखंडियां कोलों, भी वेखण नूं धर्म दे भेस विच जापदे आ, वेखण नूं धर्म दे आगू जापदे आ, पर असल विच जमीरां वेच चुके ने। ते वारस नूं लिखना पै गया अपनी लिखत दे अंदर, वड्डी लैण ते सदा ईमान वेचण, यही बाण है काजियां सारियां नूं कहता उहने, अके नहीं किया। जदों भी हकूमतां ने धर्म ते धार्मिक लोकां नूं वरत्या, उदों ही उन्हें समाज का संसार का बहुत वड्डा नुकसान किया। धोखे च ना रहो कि हकूमतां धर्म नूं सिर ते चुक रही, पता नहीं किन्ना क सन्मान कर रही। आगू बना के भेजे जी, काजी ते पम्मा पुरोत आगू बना के भेजे सी ना, ते ओ आगू बनाण पिछे ना धर्म दे चिन्हां दा सन्मान सी ते ना धार्मिक बंदियां दा सन्मान सी, बल्कि निजी मुफाद सी ते मैली सोच सी, धोखा देण वाली कपट सी अंदर। मैं फिर बेनती कर रहा, बीते दी रोशनी विच भविख नूं सवारना है, किते एवें ना छले जायो। अज भी जिहड़ा वक्त है ना, इलैक्शन आ गई है, बड़ा नाजुक है, तो मैनू जाप रहा है कि फिरकू कलेश फिरकू अग बालन दे यतन किते जाने है। बहुत खतरनाक खेड चल रही है, एवें तत्ते तत्ते होके नहीं, संजीदगी दे नाल समझन दा यतन करियो, क्योंकि जे ये गल्लां नहीं ना करांगे तो फिर सिर्फ तुहाडियां रोटियां खाण जोगा ही रह जाऊंगा, पहरेदारी नहीं होएगी। ये भी मेरा धर्म है, जे तुहाडी कमाई विच रोटी खांदा तां। उन्होंने वरत लिया जी, वेखण नूं लग रहा भी बल्ले बल्ले बड़े मोहरी बना के भेजे पम्मे परोत नूं ते काजी नूं, कुराने पाक है कोल, सालग्राम है, पर बद नीयत सी ना जी। ना वो धर्म चिन्हां दा सन्मान करदे सी हाकम, भावें वह स्टेट दे राजे सी ते भावें वह दिल्ली दी सरकार सी, नीयत इक्को जी सी। ना वो धर्म का सन्मान करते, ना धार्मिक बंदियां का सन्मान करते। वक्त आए तो धर्म को भी वरत रहे, वक्त आए दे उत्ते धार्मिक बंदियां नूं भी वरत रहे। गुरु साहब जानते हैं, हो सकता वरते जाने वाले भी ना जानते हो, चार टकियां पिछे वह भज भज के जाते हो भी ठीक है जिदा तू कहना, पर महाराज ने जरूर सन्मान किया। उन्होंने नकारिया नहीं धर्म चिन्हां नूं, कुराने पाक नूं जां हिंदू धर्म के चिन्हां नूं, उन्होंने सत्कारिया ते आख्या मैं इन्हां दा माण रखांगा जो तुसीं लैके आए हो, जे वास्ता ही पा रहे हो धर्म दा ते मैं आनंदपुर साहिब छड्डांगा। हुण चिन्हां दा सन्मान रखण लई 9 वरियां दी उम्र च कीमत अदा कीती सी, जदों कहा सी तिलक जंजू राखा प्रभ तां का, इक सुर हो के नाल नाल तुरियो। इत्थे भी कहिंदे कीमत अदा करांगा, अरदास कीती धन गुरु तेग बहादुर महाराज दे सीस संस्कार स्थान सीसगंज साहिब, सेवा पाई भाई गुरबख्श जी की झोली च, सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहिब तो तुर पे। जे असीं इह शब्द वरतीए कि आनंदपुर साहिब छड्ड दित्ता, तो मैं इत्थे फिर एक बेनती करनी चाहांगा, एक एक कदम दे उत्ते ना समझ लिओ, आनंदपुर साहब छड्डिया स्थान छड्डिया, मिशन नहीं छड्डिया, समझ रहे हो ना जी। स्थान छड्डिया वो छड्डना पै सकता है, किसी तरह के भी हालात हो सकते ने, मिशन नहीं छड्डिया, निशाना नहीं छड्डिया। निशाना की सी, धर्म चलावन संत उबारण दुष्ट सबन को, गज के कहो ना तुसी हाजर रहोगे, दुष्ट सबन को आ पल्ले च बन लेनी गल,
स्थान छड़िया, निशाना नहीं छड़िया, आनंदपुर साहब छड़िया, सिद्धांत दी, सच दी, धर्म दी जंग नहीं छड़ी, जगह छड़ी है, हथियार नहीं छड़े, शस्त्र नहीं छड़े। जिन्ने जिन्ने चुक सकते सी ना सिंह, फैक्ट्रियां लाइया सी कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर साहब, जुलम का नाश करना सी, ते जिन्ने जिन्ने चुक सकते सी, किसी नूं डराउणा नहीं सी। सिद्धांत यह कहिंदा सी कि भै काहू को देत नह। ते अगली गल भी जरूरी सी ना जी, उहदे वास्ते फिर जरूरी सी हाथ जोड़ के ते सरना नहीं सी। हुण जिहड़े 10 लख लैके ढुक रहे आ जां ते हाथ जोड़ जो डरदे होए, ते जे नह भै मानत आण ते फिर सामने टक्करना पएगा, पहल करनी नहीं है, ते आए हुए नूं फिर वापस जाण नहीं देना। मैं कल श्री दरबार साहब बेनती कीती सी मंजी साहब भी वेखो कुछ गल्लां साडे सिद्धांत नाल जुड़ियां होईयां, ते साडी औकात नहीं है कि असीं उन्हां नूं बदल दईए। संजीदगी दा पल्ला नहीं छड्डना, बच्चियां नूं बहुत सियाणे बनाउणा, सिर जोड़ के गंभीरता नाल गल करन दी जात सिखाउणी, भविख नूं सांभणा, ते पर नाल साडी साडी सियाणप दी औकात नहीं है कि असीं अपना सिद्धांत बदल दईए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वल यह फुरना लैके केसरी चंद तुरदा कि मेरे को अज ताकत बड़ी है, मेरे को बड़ा 10 हाथियों के बल वाला हाथी है, लोहे विच मैं उन्हें मढ़ दिता, मद मस्त किया होया, दो धारा खंडा उसकी सुंड नाल बन्निया, जड़ा बंदा आएगा वड सुटना है, टक्कर मार के किले आनंदगढ़ का दरवाजा चूर चूर कर देना है, ते 1.5 लाख फौज लैके मैं जो अंदर वड़िया, ते अज मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कदी नहीं छड्डांगा, वो दावे करके तुरिया सी। ते सारे दे सारे बाई धार दे राजिया ने कहा सी चल तेरे पिछे साडी फौज है, ते अज जशन मना के तुरे सी भी अज काम तमाम कर देना, सिर्फ फुरना लैके तुरिया सी, अजे किले की फसील तक, किले के दरवाजे तक नहीं सी पहुंचिया। ते तुहानू पता भाई उदय सिंह जी ने किया की सी, भाई उदय सिंह जी ने तो सिर वड्या, ते कलगियां वाले पातशाह पलंगे ते बैठे सी, चरणा च जोड़ा पा के वढ़ के सिर केसरी चंद दा सतगुरु जी के चरणा च लिया के जुत्ती की नोक विच सुट्टिया सी। कानून का आदर करते हैं, कानून बहुत गल्लां सानूं सिखांदा है, एक दायरे च रखदा, पर सानूं कानून दे पहला जिहड़ा ना सानूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दिता होया सिद्धांत है। ये गल्लां क्लीयर क्लीयर करनियां पैणियां साध संगत, बहुत संजीदगी की लोड़ है। मैं ये नहीं कह रहा भी आपे तो बाहर होना, पर अपनियां कौमी रवायतां नूं भी खालसा त्यागदा नहीं। सियाणप का मतलब कायर होना नहीं है। उन्हें सानू कहा सी नह भै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। महाराज ने कूच किया, आनंदपुर साहब छड़िया, शस्त्र नहीं छड़े, जगह छड़ी है, मिशन नहीं छड़िया। याही काज तरा हम जनमंग, समझ लेहो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संतो बारन, दुष्ट सबन को मूलो पारन, हमें काज जगत मोवाए। बड़ा क्लीयर कट डंके दी चोट दे उत्ते, लुकवां जिहा मिशन नहीं है, लुकवां जिहा परदे वाला नहीं है, बहुत क्लीयर कट है जी। बिल्कुल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का जीवन ते टिके हुए चढ़े दोपहर वर्गा, सूरज वर्गा प्रतक प्रगट, क्योंकि उन्हां दी जिंदगी सच का सूरज है, जिहड़ा छुपदा नहीं है, छुपाया। बड़ा क्लीयर है जी, सारा मकसद क्लीयर है। तो महाराज जी तुर पे जी, मजबूरी है जी, अल्लाह यार खान जी की गल तो करनी पैनी है ना सानू, क्योंकि वेखो ना इन थोड़ा महसूस करो, मैनू शायद हो सकता भी जिदा का मैं जो मैं महसूस कर रहा हूं शायद मैं शब्दों नाल ना कह सका। कहिंदे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अल्लाह यार खान जोगी कहिंदे, कहिंदे मैनू माण बड़ा है अपनी कलम उत्ते। तुसीं हैरान होवोगे जी, वेखो वो चोटी का विद्वान है, फारसी की नजम की कमाल करती उस बंदे ने, तो उन्हें क्या ईमानदारी नाल क्या
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਰ ਚਾਂਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉੱਤੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੂ ਵਸਬ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਸ ਬੁਲਬਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦਰੇ ਅਨਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਬਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਲਬਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲਬਲੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੱਪਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਗ ਲੱਗਾ ਪੈਣ ਵਿਛੋੜਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਛੋਰਾ, ਕੰਧਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਘੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਖਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਈਆਂ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਘੀ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਅਹਿਸਾਸ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
एहसास करो ते मुड़के वह घर विच कदम नहीं रखना, वह किस तरह के पल होणगे। ते जदों अपनी कमजोरी नूं वेखदे आ फिर सिर झुकदा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह। एडा वड्डा सबर कि जदों जदों भी कुछ भी त्यागिया ते तू त्यागन लग्या रंचक दरेग ही नहीं कीता महाराज, रंचक दरेग ही नहीं कीता। तारों की छाओं में किले से सतगुर वहां हुए, कस के कमर सवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशां शेरे जिया हुए, कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियां हुए। चारों पिसर हजूर के हमराह सफर थे, हमराह सफर गुरु गोबिंद सिंह जी दे हमराह होके चारों पिसर जुगर दे चारे टुकड़े फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुजार थे। ते फिर ये सरसा दा वैन जड़ा अगे वह रहा सी आन पहुंचे, तुसी ऐ वेखदे हो पिछे जिथे परिवार विछोड़ा साहब सुरत जुड़ी रवे, जिथे भी हो ना तुसी दर्शन करदे जाओगे। आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाए बारह पहर की प्यास। महाराज ना बह गए कहिंदे आत्मक तृप्ति वास्ते बाणी दा पढ़ना जरूरी है, वाहिगुरु का नाम जपे, आही ते धुन सी, आही ते शक्ति सी, आही ते करामात सी जिहड़ी गुरु ने साडे अंदर वरताई। वाहिगुरु का नाम जपे और करे सा पास, जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था। सिखो अल्लाह यार खां जोगी दे शब्द दे उत्ते ध्यान दे रहे हो, जरूर था किन्ना क जरूरी है जप जी साहब साडे लई, किन्ना क जरूरी है नितनेम साडे वास्ते, जिंदगी नालों ज्यादा जरूरी। जिंदगी जा सकती है अपनी नहीं पुत्तां दी भी जा सकती है, पर जरूर था पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना सरूर था, बाणी जरूरी सी जिंदगी नालों बाणी जरूरी सी जी। लिख लिया हिरदे ते जे जे रह जे साल भर चेते, ते रिहर्सल करन वास्ते पो दा महीना रख लियो चेते, अगे गुरु आपे निभा लेगा। सच्चे पातशाह जी दे प्यारे सिख ना सीने तान के खड़ गए दुश्मन दे हड़ नूं रोकण वास्ते, जाना हूल के लड़े। महाराज ने कीर्तन कीता, आसा जी की वार्ता नदी पार कीती, ते सच्चे पातशाह सामने ओ हल्ला होया रंगड़ा दा रोपड़ दे, उन्हों रोकिया नदी दा हाड़ बेतहाशा, किसे नू पानी ओ दो चार दस मील दूर लै गया, किसे नू रुड़द्या तरद्या आसरा लभद्या, कोई बहुत लंबे वहन चेदर नू पै गया, सतगुरु जी उत्थों पार करके पता ना चलिया जी पानी दे लफेड़िया ने किन्नू किधर तक लिया। कुछ सिंह पानी दे वहा च रुड़ गए, कुछ जाना बचा गए, साहित बड़ा नुकसानिया गया साडा। महाराज ने ना एक खजाना बड़ा तगड़ा दिता सी सिखां नू, साहित दा, विद्या दा, अपनी विद्या अपने पुत्तां दी विद्या, इहदे ते बहुत जोर दिता सी, क्योंकि महाराज ने कल्ले शस्त्र नहीं फड़ाए। ते मैं कई वारी बेनती करदा हुंदा जदों इतिहास च पढ़दे आ भाई चौपा सिंह जी बाबा फतेह सिंह दे खड़ावे सन, हुण भाई चौपा सिंह जी किते छोटे विद्वान ने जी, किताबां दे लिखारी ने उस वेले, विद्वानां दी संगत विच साहिबजादियां नूं रखिया महाराज ने, कल्ले शस्त्र नहीं चलाउणे सिखाए। असीं अपने बच्चियां नूं ठीक है सिखी रवायतां सिखी मर्यादा नाल जोड़ना, पंज ककारी रहत दे धारनी होना, गुरु साहिब ने सानूं दात दित्ती है, पर महाराज ने अपने लालां नूं उत्थे सिखां नूं उच्च पाए दी विद्या च निपुण कीता हर पक्ष तों जी, किहड़ी भाषा दे ग्रंथां दे उलथे नहीं करवाए, विद्वान कवियां दे उत्थे वड्डे वड्डे समूह बैठदे सन, सोबत हुंदी सी सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास। आ वी साडा कल्चर है सिखो, बच्चियां नूं खास करके बेनती, क्योंकि कल्ले हथियार नाल नहीं लड़ना, वड्डे साहिबजादे हथियार नाल लड़े, छोटे साहिबजादे विचार नाल लड़े, ते जे हथियार तिखे करदे सी नाल विद्या दे बल नाल बौद्धिक तल दे उत्ते आत्म ज्ञान नाल विवेकशीलता नाल विचार भी तिखे करदे सी। मेरी बेनती है कौम दा पहरेदार होण दे नाते
कले हथियार नहीं तिखे करने, चमकौर दी गड़ी च हथियार जो दुश्मन हल्ला करके 10 लाख आ गया ते फिर शमशीर दस्त होना सी, फिर ते मर्यादा भाई दुश्मन अगे हाथ थोड़ी जोड़ने हैं। चुकार आजामा हिलते दर्ग जोश्त हलाल अस्त बुरदन बाद शमशीर दस्त। पर जदों विवेकशीलता की गल आई सच पुछो ते वजीदे दी सभा दे अंदर भावे साहबजादियां नूं उन्हां ने मूंह बंद करन लई गले जिवा कर दिते, साहबजादियां दीआं दलीलां दे सामने कोई काजी कोई विद्वान कोई औलिया अड़ ना सकिया आलम फाजल। चमकौर दी गड़ी दे विच वी 10 लाख नूं शिकस्त दित्ती वड्डे लाला ने हथियार तिखे करके, सरहंद की सभा दे विच वी भरी सभा नूं शिकस्त दित्ती छोटे लाला ने विचार तिखे करके। मेरी कौम दे वारस जिदन विचारशील हो गए ना विचारशील, उदन तुहाडियां दलीलां सामने भी दुश्मन सिर झुका के हार प्रवान करेगा। समागम है ही सिर जोड़ के भविख सवारन वास्ते है। बेनती है तुहानू एक एक गल दिल उत्ते लिखनी है ते कौम दी किस्मत दा हिस्सा बनानी है। मेरी बेनती तुहाडे चरणां च गुरमुखो, इत्थे गुरु पातशाह जी जानदे हो जी धन बाबा, ओ बाबा ही कहांगे साडे वास्ते ते अत आदर योग ने निहंग खान। यह निहंग नाम भी सिखी चो मिलिया सी उन्हां नूं निहंग। गुरमुख प्यारे हो गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों के भवरे नरंग खान, गुरु हर राय साहब जी के चरणों के बड़ी संगत की नरंग खान ने, ते तैल सेवा भावना श्रद्धा करते की रहमत हुई उस नेक घर के अंदर नेक कुख तो नेक पिता के ग्रह विखे नेक पुत्र ने जन्म लिया ते जिहदा नाम ही गुरु घर के प्रेम विच निहंग रखिया। वेखो ना मैं तां गल्लां कह रहा कि यह भी एक दुनिया च प्रचार करन दा जोर पहला भी किया गया ते भविख च बहुता किया जाना है कि तुहाडी फलाने धर्म नाल दुश्मनी सी। नहीं जी, साडी किसे धर्म नाल दुश्मनी नहीं, साडी जुलम नाल दुश्मनी सी, जुलम नाल दुश्मनी है ते जुलम नाल दुश्मनी सदा रहेगी। सानू तुसी गुमराह करके साडे सच दीआं तोपां दा मूंह दूजिआं वल नहीं कर सकदे भाई, इह तां सानू गुरु ने सिखा दित्ता सी। ते निहंग खां दे वेखो शरदा वाला पुत पैदा होया, चार वार दसम पातशाह इहनां दे भागां वालिआं दे घर चरण पाउंदे आ, किन्ने मुकद्दरां वाले जी। ते अगे उहदी संतान वेखो, उह धन धन बीबी ममताज जी, उह सिदक धीओ भैणो मेरी उह बच्चीओ बीबी ममताज वर्गियां बन जाओ, पिता दे बोलां अगे अपनी जिंदगी घोल घुमा दित्ती कि मेरे पिता ने शहीद हुंदे सिख नूं मेरा खामद कह दित्ता सी ते मैं पिता दे बोलां तों मुनकर नहीं होना, मैं पिता दी पग दी लाज रखनी है। बड़ियां रीझां नाल पालदे मापे, ते मापिआं दा सन्मान उहनां दे जज्बात उहनां दीआं भावनावां इह तुसीं बड़े सत्कार नाल सन्मान देणा। बीबी ममताज नूं अपना आदर्श बनायो ते उस किड्डी कमाल दी प्यारी औलाद पैदा हुई। नरंग खां दे घर निहंग खां, निहंग खां दे घर आलम खान ते बीबी ममताज। हुण आलम खां भी इन्ने प्रेम च रंगिया, किदां दा जोड़ जुड़दा जी, उहदा अगे रिश्ता हुंदा राय कल्ले दी धी वल, पहलां महाराज इस घर नूं निवाजदे आ फिर उस घर नूं निवाजदे जाके। ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਚ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਰੰਗਤ 'ਚ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ। ਨਿਭਾਓਗੇ ਸਿੰਘੋ ਫਰਜ਼? ਨਿਭਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਉਜਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈ ਵੈਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲਣਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲਣਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਪੱਲੜੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪੱਲੜੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਆ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਪਈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈ ਆ ਸੱਤ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਵੇਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤੇ ਥੇ ਆਨਾ, ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾਣਾ, ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਬੇਟੋਂ ਕੋ ਯਹਾਂ ਕਟਾਨਾ, ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਹਿ ਦੇਤੀ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ, ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਆ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਛੰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਰੋਪੜ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਮਹੱਲਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ 1930 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤੀਰਥ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਖੇੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ।
मैं कालफोरन दी लिखतां विच भी समां लगदा हुंदा स्थानां दे प्रगट होण दा। मानयोग बाबा सुरिंदर सिंह होरां दा धन्नवाद आ, उन्होंने खोज कीती है। सतसंगत जी मातावां उत्थे ने, भाई मनी सिंह जी नाल ने, टहलना नाल ने, सिख ने दिल्ली दे नाल बड़े अदब नाल, बड़े सन्मान नाल। मातावां नाल ना दो होर बीबियां सी, भाई वीर सिंह जी होरां दी लिखतां च कलगीधर चमत्कार पढ़िया भैणो, भैनों हाथ खड़ा करो किन्हां ने, किन्हां ने पढ़िया कलगीधर चमत्कार? एक एक हाथ खड़ा, दो। मैं कोई हेठी नहीं करनी, मेरी बेनती है तुहाडे घरां दा शिंगार होण इह पुस्तकां। मेरियां धीआं बच्चियां पढ़न, बीबी सतवंत कौर सुंदरी पढ़न, बीबी हरशरन कौर, कैसियां कैसियां गाथा ने, राणा सूरत सिंह किड्डियां शख्सियतां ने। तुसीं जिद्दन बीबी सुंदरी पढ़ोगे सतवंत कौर, तुहाडा वेखो रोल मॉडल आइडियल चेंज हो जाने। वाह वाह, ऐसियां सिख बीबियां ते साडियां धीआं दे विच उहनां दे नक्शो नुहार दिसणगे फिर, बीबी सुंदरी वर्गे, फिर दुनिया वाला रंग नहीं चढ़ेगा। उन्होंने जिक्र किया बसंत लता, मां जी की टैलन सी माता साहब कौर जी की, उन्होंने जिन्होंने बीबी बसंत कौर भी लिखिया, ते नाल बीबी दीप कौर, ये शस्त्रधारी बीबियां सन जांबाज। वैरी दल ने इन्हों काबू किया, दोनों बच्चियां जड़ियां सी गुरु साहब दियां, इन्होंने अपने आप नूं वैरी दे पंजे तो बचाउण वास्ते अपने आप नूं शहीद आप किया। बीबी दीप कौर मलेरकोटले विच दफना दिती गई, जिहड़ी बाद च बाबा बंदा सिंह बहादुर जी होरां ने उत्थे जाके कबर खोद के बीबी दीप कौर जी का शरीर कंकाल कढ के फिर सिख मर्यादा अनुसार बाणी पढ़ के संस्कार किया। वह नाल सन उस वेले, दो होर टहलना सन बीबो ते भागो, भाई धन्ना सिंह, जवाहर सिंह, भाई मनी सिंह जी रोपड़ विच रात कट रहे थे। मां जी इत्थे पहुंचे, अमीर हो गया जी, कुम्मा माशकी अमीर हो गया मां जी दे चरण। हुण पता लग्या कि कुल्ली दी अमीरी दा राज की सी, इत्थे मेरे सतगुरु जी दे साहिबजादियां दे चरण पए, इह कुल्ली इन्नी अमीर हो गई कि असीं इस अमीर कुल्ली अगे झोली अड के खड़े। हुण उहदी सुरत की गल्लां करदी है ना, इह थोड़ा जिहा इक फिकरा वीर कोलो सुनियो, बाबा कुम्मे माशकी दी सुरत की गल्लां करदी। गुरु गोबिंद सिंह दे राज दुलारे, मां जी तादी अख दे तारे। गुरु गोबिंद सिंह दे राज दुलारे, मां जी तादी अख दे तारे। हे पोते देख बहादुर दे, पोते देख बहादुर दे, ते मां गुजरी दे जाए ने। अज भाग लाउण मेरी कुली नूं, मां लाल गुरु दे अज भाग लाउण मेरी कुली नूं, मां लाल गुरु दे आए ने। इस कुली अगे महलां वाले झुक रहे अज सत संगत। अमीर किदां होया? साहिबजादियां नूं प्रेम करके, प्रेम कीता धनी हो गया जी, शाह हो गया। ते जे असीं प्यार करांगे ना, सानू की मिलेगा? अंदाजा नहीं ला सकदे तुसीं की मिलदा है। सच्ची गल, जे मैं गुरु दी हजूरी च बह के कहिंदा, तुर अंदरों भिज के प्रेम करन दी जात सिखियो, तुसीं सोचिया भी नहीं होएगा कि मिलेगा की। गुरु गोबिंद सिंह जी दे लालां नाल प्रेम करियो, इह कुल्ली अमर हो गई। पता नहीं किड्डा का अमुक खजाना है कि असीं झोली अड के खड़े हाँ तेरी शान अगे बाबा कुम्मिया। ते जे वह धनी हो गया प्यार करन वाला, वह धनी हो गया शाह हो गया उस्तत करन वाला, ते उस्तत सुनन वाले क्यों नहीं हो जाणगे?
इत्थे बड़ा वड्डा खजाना है जी, प्यार दा खजाना, सत्कार दा खजाना, सत्कार दा खजाना, प्यार दा खजाना। जिन्हों लुटा रहा है उन्हें कला बिस्तरा नहीं दिता, उन्हें कला टुटा मंजा ते छप्पर नहीं दिती, उन्हें जो कोल सी लुटाया ते आज भी लुटा रहा है, क्योंकि उहदे कोल प्यार दा खजाना है। बड़ा अमीर हो जाता जे सिख, प्यार करने वाले अमीर हो जाते। सो ओ अमीरी लैन अज इत्थे आए हैं, मां जी बैठे ने, साहबजादे बैठे ने, ते अज मां जी असी भी तुहाडी गोद च बैठे हाँ। उही रात है, उही जगह है, सत पोह दी रात है, उही जगह है, उही धरती, उही मिट्टी, उही कण, उही जर्रा जर्रा, उही सीत, उही कलकल करदा वहिंदा पानी, सब कुछ उही है। असी भी उही बन जाइए, संबंध तो जरूर हैगा तुहाडे चरणां नाल साडा, मिलेगा बड़ा कुछ साध संगत। कल नूं बाबा जी कृपा करियो, असी फिर इदां ही झोली भरन वास्ते बैठीए। मैं समें दी